सो गाइस मैंने अपने पीछे बैकग्राउंड को ले लिया। अब हम जाएंगे हेड फोटो में, देन हमें ये वाला पेंज लेना है गाइस। अब मैं इसे क्रॉप करूँगा, फिर गाइस इसे हम यहाँ लगा लेंगे, फिर हम यहाँ पर टैप करके टेक्स्ट में जाएंगे गाइस। अब मैं यहाँ पर अपने एज लिख लेता हूँ गाइस, आप अपने मॉडल की एज लिख लेना, आप किसी की भी लिख सकते हो गाइस। फिर गाइस हमें इसका कलर को करना है येलो। फिर गाइस मैं इसे यहाँ पर इस तरह से लगा लेता हूँ। यहाँ लगाने के बाद गाइस फिर मैं यहाँ से डन कर दूँगा। अब गाइस मैं जाऊँगा हेड फोटो में, फिर गाइस हमें ये वाला पेंज लेना है, फिर गाइस हमें इसे वर्क को सिलेक्ट करेंगे, फिर गाइस वर्क को हम यहाँ लगा लेंगे। अब हम यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फिर यहाँ से हम मॉडल लिख लेंगे। मॉडल लिखने के बाद गाइस मॉडल के रंग को गाइस हम ये वाला कलर करेंगे, देन इसे हम यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे। फिर गाइस मैं यहाँ से डन कर दूँगा। अब गाइस मैं जाऊँगा ये फोटो में, देन हमें ये वाला पेंज लेना है, हमें इसे क्रॉप करूँगा, फिर यहाँ से नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर गाइस नेम को यहाँ पर इस तरह लगा लेता हूँ। फिर टेक्स्ट में जाऊँगा, देन मैं यहाँ पर लिख दूँगा अपने मॉडल के नेम रियाज। फिर गाइस इसके कलर को हम रेड करेंगे, सॉरी गाइस। फिर गाइस मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। अब गाइस मैं जाऊँगा हेड फोटो में, देन मैं ये वाला और ये वाला पेंज लेता हूँ। जो भी मैं बैकग्राउंड और पेंज यूज करूँगा उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर यहाँ से मैं यहाँ लगा लेता हूँ, फिर डन कर दूँगा गाइस। फिर यहाँ से हेड फोटो में जाऊँगा, देन हमें ये वाला पेंज लेना है, देन ये वाला पेंज लेना है। इस वाले पेंज को मैं इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाके नेगेटिव कर लूँगा, कलर्स में जाऊँगा, देन यहाँ से नेगेटिव कर लेता हूँ। फिर गाइस मैं इसे यहाँ पर इस तरह से लगा लेता हूँ गाइस, सॉरी गाइस मैं ले लेता हूँ वापस। सो गाइस मैंने इसको यहाँ लगा लिया। अब मैं यहाँ से इसे क्रॉप करूँगा, एटीट्यूड सेलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ से एटीट्यूड को गाइस मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। फिर गाइस मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, फिर यहाँ से कूल लिखूँगा गाइस, कूल सेलेक्ट करके गाइस हम टेक्स्ट के पेंजी को कलर करेंगे पर्पल। फिर गाइस हम इसे यहाँ मैं एडजस्ट कर लेता हूँ गाइस। यहाँ करने के बाद गाइस मैंने यहाँ से डन कर लेना है। फिर गाइस अपन को जाना है एड फोटो में, अपने मॉडल के पेंजी को ले लेता हूँ गाइस मैं। सो गाइस मैंने अपनी फ़ोटो को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है, मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। अब गाइस मैं जाऊँगा टूल्स में, यहाँ से एडजस्ट सेलेक्ट करूँगा, देन इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा के सैचुरेशन को बढ़ा लेंगे, फिर गाइस हाईलाइट को कम करूँगा, फिर यहाँ से डन कर दूँगा। फिर गाइस मैं जाऊँगा ड्रॉ टूल में, देन अपनी फ़ोटो को सेव कर लेता हूँ गाइस, थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव इमेज कर लेता हूँ। सो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी अलाउ कर लीजिए, जिससे हमारा कोई वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।